बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूँ राज, देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर। 21 से 24 के पार्ट वन के छात्र छात्राएं आपके परीक्षा के ऊपर लगातार, पार्ट वन की जो परीक्षा अब होने वाली है उस पर लगातार रिपोर्ट पिछले एक हफ्ते से आ रही है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही आपके पार्ट वन की परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। तिथि जारी होने के जस्ट बाद जो है आपको परीक्षा फॉर्म फिलअप करना है, उसके बाद से एग्ज़ाम देना है। आप देख पा रहे हैं आज के हिंदुस्तान अखबार में रिपोर्ट की गई है। तो देखिए, परीक्षा के प्रिपरेशन पर्पज से हम आपको कहे परीक्षा की तैयारी के लिए नॉलेज की बात हुई तो फिर आप अपना बुक्स है आपके लेक्चर प्रोफेसर वो होगी कि आप क्लासेस अटेंड किए हैं, आपने जो भी जानकारी अपने प्रोफेसर से ली है वो एक नॉलेज के तौर पर हुई। यदि हम बात करें कि फिर परीक्षा की प्रिपरेशन के लिए, तो परीक्षा प्रिपरेशन गेस्ट पेपर आपको क्वेश्चन बैंक और VVI क्वेश्चन से लगभग लगभग हो जाते हैं। साइंस में थोड़ा मेहनत ज़्यादा करना पड़ता है फिजिक्स केमिस्ट्री ऑनर्स वाले को, क्योंकि ये थोड़ा टफ पड़ जाता है। बाकी और भी जो सब्जेक्ट्स हैं, चाहे मैथ हो या जूलॉजी हो या बॉटनी हो, ये साइंस की हम बात करें, ये सब में जो है आपको क्वेश्चन बैंक से और VVI क्वेश्चन जो हर साल जारी किए जाते हैं चैनल की तरफ से, उसके बाद जो गेस्ट पेपर में जो क्वेश्चन आंसर होते हैं उससे प्रिपरेशन हो जाती है। तो आप लोग मोटा मोटी देखिए, साइंस में हम कह रहे हैं कि फिजिक्स केमिस्ट्री वाले थोड़ा आप ज़्यादा पढ़िएगा, जितना हो सके आप अपने बुक से या सिलेबस से पढ़िए, गेस्ट पेपर से ज़रूर पढ़िए, लेकिन थोड़ा टफ होता है एग्ज़ाम केमिस्ट्री और फिजिक्स में। ये बस मेरा ये कहना है कि थोड़ा टफ होता है, तो थोड़ा आप खास करके फिजिक्स केमिस्ट्री वाले थोड़ा अपने पढ़ाई के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखिएगा, लेकिन बाकी और जो पेपर है उतना टफ नहीं होता है। और आर्ट्स में तो खैर कोई बात ही नहीं है, आर्ट्स कॉमर्स की पार्ट वन में ज़्यादा झंझट नहीं होती है, तो हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल अभी आप जो है गेस्ट पेपर आप ले लीजिए, मार्केट से मिल रहा है तो मार्केट से ले लीजिए, या आपको PDF फॉर्मेट में चाहिए गेस्ट पेपर तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, हालांकि उससे कुछ चार्ज देने होंगे। तो गेस्ट पेपर भी PDF में आपको मिल सकता है। उसके बाद जो पार्ट वन का क्वेश्चन बैंक, जो अभी 20 से 23 के पार्ट वन का एग्ज़ाम हुआ है, वो क्वेश्चन, तमाम क्वेश्चन उस क्वेश्चन बैंक में इंक्लूडेड हो, वो क्वेश्चन आप क्वेश्चन बैंक आप मार्केट से ले लीजिए, या सिर्फ क्वेश्चन बैंक भी आपको चाहिए तो ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक मिल जाएगा। उर्दू संस्कृत का नहीं आता है, तो उर्दू संस्कृत का बात हम नहीं करेंगे, उर्दू संस्कृत का नहीं मिलेगा, उर्दू संस्कृत का सिर्फ गेस्ट पेपर आता है, बाकी कुछ नहीं आता है, VVI क्वेश्चन भी नहीं आता है। तो आप जो है बाकी ऑल सब्जेक्ट का क्वेश्चन बैंक भी मिल जाएगा, तो वो भी मिल जाएगा, चाहे तो आप ले सकते हैं PDF फॉर्मेट में, उसके कुछ चार्ज देने होंगे। आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सेशन का नाम और सब्जेक्ट का नाम बताएं और आपको गेस्ट पेपर चाहिए या क्वेश्चन बैंक आप हमें बताएं, उसके बाद जो चार्ज होगा पे करने के बाद आपको PDF भेज दिया जाएगा। देखिए, क्वेश्चन बैंक लेना इसलिए ज़रूरी होता है किसी भी छात्र छात्राओं के लिए, ताकि उसे पता चले कि जो एग्ज़ाम हुआ है पिछले बैक 4-5 सालों में किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है, एग्ज़ाम में जो हुआ कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं, क्वेश्चन का पैटर्न क्या होता है, ये सभी चीज़ जानने के लिए जो है क्वेश्चन बैंक बहुत ज़रूरी होता है। तो अभी जो PDF फॉर्मेट में आपको, यदि आप इस चैनल से लेते हैं तो फिर आपको जो क्वेश्चन दिया जाएगा वह 2016 से लेकर के 21 तक या 2015 से 21 तक का, मोटा मोटी साइंस और आर्ट्स में जो आपको 5 साल का जो है वह 6 साल का क्वेश्चन मिल जाएगा। यदि आप कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं तो कॉमर्स में हो सकता है आपको 2011 से लेकर के 21 तक का, मतलब 11 से 12 साल का क्वेश्चन उसमें इंक्लूड हो, और तमाम क्वेश्चन आपको एक ही PDF में दिया जाएगा। आप देख लीजिए आज के हिंदुस्तान अखबार की रिपोर्ट है कि एक हफ्ते में जारी होगा फॉर्म भरने की तिथि। अब यहाँ पर देखिएगा तो 21 से 24 के पार्ट वन का परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जो है एक हफ्ते के अंदर जारी होगा, इसकी जानकारी संजय कुमार जो परीक्षा नियंत्रक है हमारे, उन्होंने दी है। उन्होंने बताया है कि परीक्षा फॉर्म भरवाने के लिए विश्वविद्यालय में तैयारी शुरू कर दी है, रजिस्ट्रेशन सेक्शन से भी इस बारे में बात की गई है। 21 से 24 में 1.5 लाख विद्यार्थियों का जो है परीक्षा होना है, हालांकि अभी इन छात्रों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया चल रही है। रजिस्ट्रेशन सेक्शन ने अब तक के सिर्फ 40 से 50 कॉलेज को ही, कॉलेज के ही छात्रों का रजिस्ट्रेशन भेजा है, कुल 105 कॉलेजों को रजिस्ट्रेशन के कागज़ भेजे जाने, तो 105 कॉलेज है सभी का रजिस्ट्रेशन नंबर, तमाम छात्र छात्राओं को कॉलेज और यूनिवर्सिटी अपना कोलेबरेट करके नंबर तैयार करेगी, रजिस्ट्रेशन नंबर उसके बाद आप लोगों को दिया जाएगा। आप में से बहुत सारे छात्र छात्राओं को होगा जो रजिस्ट्रेशन नंबर मिल गया होगा, और बहुत को बाकी भी होगा, तो बहुत को जो बाकी होगा जो फॉर्म भरने, जब फॉर्म फिलअप होता है तो उस वक्त भी जो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर या रजिस्ट्रेशन कार्ड जो हुआ मिल जाता है। लेकिन अब जो होता है आपको पार्ट वन परीक्षा फॉर्म भरने की जो पद्धति है बिहार विश्वविद्यालय वह चेंज कर दी है, आपको परीक्षा फॉर्म जो होता है वह भरा हुआ कॉलेज से मिलता है, बस देख दाख लेना होता है, उसके बाद से वेरीफाई करके कॉलेज में फिर से जमा कर देना होता है। तो हम आपको हर चीज़ बताते रहेंगे, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिए, अपने क्लासमेट से भी ये चीज़ें शेयर कीजिए जो आपके बैचमेट है कि इस चैनल
को सब्सक्राइब करें ताकि उनको भी अपडेट घर बैठे मिलते रहे। तो आप देख पा रहे हैं आज के अखबार में रिपोर्ट आई थी कि एक हफ्ते के अंदर परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि जारी की जाएगी। तो जारी होती है तिथि और प्रोसीजर के बारे में बताया जाता है, तो हम आपको समय रहते ही बताने की पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को देखने के लिए।